वेलकम बैक टू आर्यस मैथ प्लस मोटिवेशन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हुई थी और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जा रहा है और शीघ्र ही रिजल्ट जारी होगा। जैसा कि यूपी बोर्ड कई बार संकेत दे चुका है कि जुलाई के दूसरे वीक में या तीसरे वीक में रिजल्ट यूपी बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12 का आ जाएगा, ये संकेत अब तक मिल चुका है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस बार चूँकि रोल नंबर जारी नहीं किया गया था, ऐसे में रिजल्ट छात्र छात्राएं या उनके अभिभावक कैसे देख पाएंगे। आइए इस सूचना के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि रिजल्ट छात्र छात्राएं कैसे देखेंगे। लिखा है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम पहले की तरह आसानी से नहीं देख पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बोर्ड परीक्षा रद्द होने के कारण उन्हें अपना अनुक्रमांक नंबर ही नहीं मिला। ऐसे में उन्हें अपना परिणाम देखने के लिए विद्यालयों का सहारा लेना होगा। विद्यार्थियों को अपना परीक्षा परिणाम अपनी नामांकन संख्या या पंजीकरण संख्या की मदद से बोर्ड वेबसाइट पर लॉगिन करके देखना होगा। जिन विद्यार्थियों के पास अपने नामांकन या पंजीकरण संख्या नहीं होगी, उन्हें विद्यालय जाकर उसे लेना होगा। बता दें कि इस बार कोरोना संक्रमण के कारण बोर्ड परीक्षा नहीं हुई, लिहाजा विद्यार्थियों को न प्रवेश पत्र मिले न रोल नंबर। ऐसे में पिछले साल तक विद्यार्थी अपना रोल नंबर डालकर परीक्षा परिणाम देख लेते थे, लेकिन इस बार रोल नंबर न मिलने के कारण नामांकन या पंजीकरण संख्या के माध्यम से परिणाम जारी किया जाएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण सूचना। कैसी लगी ये सूचना, सभी छात्र छात्राओं तक जरूर इस सूचना को पहुँचा दीजिए। नई सूचना के साथ मिलेंगे। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।